हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बी गुड आइडियाज। आज हम करेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर आपने ये कविता अर्थ के साथ पढ़ी है तो आप इन सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल आसानी से दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विनय पत्रिका में तुलसीदास ने किस भाषा का उपयोग किया है? ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी अवधी, ऑप्शन नंबर सी ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर डी हिंदी। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ब्रज भाषा। दूसरा प्रश्न है, सुनी मुनि वचन लखन मुसुकाने में कौन सा अलंकार उपस्थित है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए उपमा अलंकार, ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन सी रूपक अलंकार, ऑप्शन डी यमक अलंकार। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार। तीसरा प्रश्न देखिए, तुलसीदास द्वारा रचित अब तक कितनी रचनाएं मिली हैं? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 34, ऑप्शन डी 36। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी 36। चौथा प्रश्न देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता में किस शैली का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है ऑप्शन ए संवादात्मक शैली, ऑप्शन बी व्याख्यात्मक शैली, ऑप्शन सी मुक्तक शैली और ऑप्शन डी नाटकीय शैली। प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए संवादात्मक शैली। पांचवा प्रश्न, परशुराम ने गाधी सुनु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए महर्षि वशिष्ठ के लिए, ऑप्शन बी विश्वामित्र के लिए, ऑप्शन सी स्वयं के लिए और ऑप्शन डी लक्ष्मण के लिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी विश्वामित्र के लिए। अगला प्रश्न देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में कौन सा गुण है? ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रसाद गुण, ऑप्शन बी ओज गुण, ऑप्शन सी माधुर्य गुण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी ओज गुण। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है ऑप्शन ए अभिधा, ऑप्शन बी व्यंजना, ऑप्शन सी लक्षणा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी व्यंजना। आठवें प्रश्न पर चलते हैं। लक्ष्मण ने किन्हें अवध बताया है? ऑप्शन ए गरीबों और महिलाओं को, ऑप्शन बी गायों और ब्राह्मणों को, ऑप्शन सी ईश्वर भक्त और गायों को, ऑप्शन डी देवता ब्राह्मण ईश्वर भक्त और गायों को। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी देवता ब्राह्मण ईश्वर भक्त और गायों को। अगला प्रश्न देखिए, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, यहां जून शब्द का क्या अर्थ है? अगला प्रश्न देखते हैं, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, यहां जून शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए जून का महीना, ऑप्शन बी जून का धनुष, ऑप्शन सी सम्मानित, ऑप्शन डी बहुत पुराना। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी बहुत पुराना। दसवां सवाल, राम ने धनुष किस धोखे से छू लिया था? ऑप्शन ए धनुष बहुत मजबूत है, ऑप्शन बी धनुष बहुत नया है, ऑप्शन सी धनुष उनसे उठेगा नहीं और ऑप्शन डी धनुष बहुत भारी है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी धनुष बहुत नया है। अगला प्रश्न, किसके कहने पर परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया था? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए गुरु के, ऑप्शन बी पिता के, ऑप्शन सी प्रेयसी के और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी पिता के। अगला प्रश्न देखते हैं, अहो मुनीसु महाभटमानी शब्द किसने कहे हैं? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए राजा जनक ने, ऑप्शन बी श्री राम ने, ऑप्शन सी विश्वामित्र ने, ऑप्शन डी लक्ष्मण ने। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी लक्ष्मण ने। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसके वचन कोटि कुलिस के समान है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए राजा जनक के, ऑप्शन बी सीता के, ऑप्शन सी परशुराम के और ऑप्शन डी श्री राम के। इसका उत्तर है ऑप्शन सी परशुराम के। अगला प्रश्न है, कहेऊ लखन मुनि सीलू तुम्हारा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन बी अन्योक्ति अलंकार, ऑप्शन सी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ऑप्शन डी अनुप्रास अलंकार। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न देखिए, कविता में प्रयुक्त तर्जनी दिखाना क्या है? ऑप्शन ए मुहावरा, ऑप्शन बी कहावत, ऑप्शन सी अलंकार, ऑप्शन डी रस। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए मुहावरा। अगला प्रश्न है, महीदेव का क्या अर्थ है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए महादेव, ऑप्शन बी मछली के देवता,
ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी क्षत्रिय। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी ब्राह्मण। अगला प्रश्न देखिए, लक्ष्मण ने शिव जी के धनुष को क्या कहकर संबोधित किया है? ऑप्शन है ऑप्शन ए गांडीव, ऑप्शन बी कोदंड, ऑप्शन सी पिनाक और ऑप्शन डी धनुही। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी धनुही। अब चलिए अगले प्रश्न पर, इस कविता में कितने तरह के छंदों का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी तीन और ऑप्शन डी चार। प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी दो। अगला प्रश्न, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता में श्री राम की क्या भूमिका है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए लक्ष्मण को चुप कराना, ऑप्शन बी लक्ष्मण को उकसाना, ऑप्शन सी परशुराम को अपमानित करना और ऑप्शन डी चुप रहना। उत्तर है ऑप्शन ए लक्ष्मण को चुप कराना। चलिए अगले प्रश्न पर, परशुराम के गुरु कौन थे? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए विश्वामित्र, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी जमदग्नि और ऑप्शन डी वशिष्ठ। प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी शिव। अगला प्रश्न आपके लिए, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, यहां कोही का अर्थ है? ऑप्शन ए विश्वामित्र, ऑप्शन बी परशुराम, ऑप्शन सी कोही, ऑप्शन डी क्रोधी। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी क्रोधी। अब अगला प्रश्न लेते हैं, राम और लक्ष्मण किस वंश के थे? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए सूर्यवंश, ऑप्शन बी चंद्रवंश, ऑप्शन सी का और ख दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ऑप्शन ए सूर्यवंश। चलते हैं अगले प्रश्न पर, अमय का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए लोहे का बना हुआ, ऑप्शन बी सोने का बना हुआ, ऑप्शन सी तांबे का बना हुआ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए लोहे का बना हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, किसकी भुजाओं को परशुराम ने अपने फरसे से काटा था? आपके लिए ऑप्शन है ऑप्शन ए जरासंध, ऑप्शन बी सहस्रबाहु, ऑप्शन सी रावण, ऑप्शन डी कंस। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी सहस्रबाहु। अंतिम प्रश्न देखते हैं, परशुराम के शस्त्र का क्या नाम है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए त्रिशूल, ऑप्शन बी भाला, ऑप्शन सी चक्र और ऑप्शन डी फरसा। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी फरसा। तो ये थे 25 MCQs जिनसे मैंने अभी आपका टेस्ट लिया और आपको उत्तर बताए। कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टाग्राम पर आइए। थैंक यू एंड गुड बाय।